इतना ही आएगा, देख सकते हैं इतना, मतलब उस समय का इंसानों का हाइट उतना हो सकता है, तब जाके उतना हाइट का मतलब दरवाजा बनाया है ना। ऑसम लगता है भुवनेश्वर सिटी को देखते हुए। वैसे ऊपर में देखिए एक बार ड्राइंग, वो रहा ऊपर में देख सकते हैं। वैसे ऐसे इस जगह को देख के तो पता चल ही चुका होगा हम लोग कहाँ आए हैं बोल के। ऐसे इस साइड में है उदयगिरी और इधर ऊपर में है खंडागिरी, मतलब हम लोग हैं अभी दिस ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी में, और एक नए दिन के साथ करते हैं नए वाले ब्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, बड़े नमस्ते, छोटो को सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छोटे ब्लॉगर, आप सभी का फिर से स्वागत है वन से अगेन न्यू वाले ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि गाइस अच्छे हो गए, अच्छे रहना, चिल करके जिंदगी जीना। और वैसे आज ये जो ब्यूटी है ना, इसको मतलब टूर करने के लिए आए हैं। वैसे ऊपर में देख सकते हैं खंडागिरी। वैसे ड्रोन भी पकड़े हैं, बैग में है। वैसे सुबह ही पहुंच गए थे हम लोग, लेकिन रूम देख वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट किए, खाना भी नहीं खाए, और अभी मतलब निकले हैं, कुछ काम से आए थे तो वो सब काम निपटा दिए, और अभी मतलब चलते हैं ऊपर में, दिखाते हैं आप सभी को एक बार फिर से एक नया जगह, नया टूरिस्ट प्लेस, और बताते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अरे बंदा तो पहले चलते हैं खंडागिरी के तरफ। बंदर बंदर ही बंदर, जैसे ही मतलब अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, मतलब यहाँ पे बंदर देख लिए, तो पहले इनके लिए कुछ खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद इनको खाने के लिए देते हैं। ले मोबाइल पकड़, तो वैसे बंदर को मतलब क्या बोले, खाना खिला लेकर मतलब खाना खिलाएंगे बोल के ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, हमारे हाथ से खाएंगे, मतलब ब्रेड वगैरह देने से चलेगा, केला वगैरह। और वैसे मतलब अभी पहले इधर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर में चलते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारा गुफा है, जो कि मतलब कितना प्राकृतिक भी है और कितना मतलब खुद इंसानों ने बनाया है, जब स्टोन एज युग जब चल रहा था तब से। और उस साइड में मतलब उदयगिरी में वो कलिंग युद्ध का मतलब ड्राइंग वगैरह सब बनाया हुआ, जो वो ड्राइंग वगैरह सब बनाया हुआ है वहाँ पे, देखते हैं चलो दिखाते हैं आपको। उधर कम हाइट है देख सकते हैं गुफा में, एक बार ये अंदर घुस के देखते हैं। अरे बाप रे, मतलब कितना कम हाइट है, मतलब उस समय का इंसानों का मतलब हाइट कितना होगा सोच ही सकते होंगे, देख सकते हैं मेरा कितना तक आ रहा है, मतलब अभी भी मैं नीचे खड़ा हूँ और भी इतना आ रहा है, तो मतलब ऊपर जाएंगे तो इतना ही आएगा, देख सकते हैं इतना, मतलब उस समय का इंसानों का हाइट उतना हो सकता है, तब जाके उतना हाइट का मतलब दरवाजा बनाया है ना। वैसे अंदर में बहुत अच्छा है, ऊपर में चलते हैं जल्दी जल्दी से, शायद में भी बारिश भी हो सकता है, तो ड्रोन होगा तो पॉसिबिलिटी उड़ाएंगे, ड्रोन भी शूट करेंगे। और वैसे एक तो व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको, मतलब खंडागिरी और उदयगिरी से जो भुवनेश्वर सिटी दिखता है ना, वो ऑसम लगता है भुवनेश्वर सिटी को देखते हुए। वैसे देखिए वैसे कितने सारे टूरिस्ट हैं, सब लोग देखने के लिए आए हैं। सामने उड़ेगा प्लेन, कहाँ गया वो, जा रहा है प्लेन, वो गया गया, वैसे वो वाला यार मतलब बहुत जोर से, मतलब बहुत जोर से हवा आ रही है, ऊपर से
ऊपर में मंदिर भी है और क्या बताएं। या बारिश को भी अभी ही आना था, इतना जोर से हवा पानी आ रहा है। जो आई थिंक मैं भी ऑडियो में ब्लास्ट के कारण मतलब ऑडियो भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा। आई थिंक ना जो मतलब मौसम चेंज हो गया सडनली ना, तो उसी के कारण आई थिंक ऑडियो भी मतलब ठीक से नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसमें शायद विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे जो चीज़ है मतलब पूरे स्टोन एज वाला जो लिखा रहता है ना, मतलब उनका जो है ये सब तो अभी बंद है। वैसे अंदर में देखिए गुफा, मतलब उस टाइम में जैसे मतलब काट के इसको बना के उसमें रह रहे थे लोग या फिर जो भी कर रहे थे उस सब का। वैसे ऊपर में देखिए एक बार ड्राइंग वो रहा, ऊपर में देख सकते हैं वैसे यहाँ पे ड्राइंग है ना, ये रहा वो सब क्लियर भी। बहुत ही असम है, भगवान जी के दर्शन भी हो गए और मतलब अंदर वीडियो और फोटो उठाना मना है और लिखा है बाहर में कि मतलब वीडियो और फोटो बनाने से 500 रुपीज़ फाइन है, मतलब स्ट्रिक्टली मना है तो वीडियो वगैरह नहीं बनाए। चलो यहाँ से उतरे तो क्या बोले, मौसम चेंजेस के कारण मतलब पूरा फुल डिटेल्स वीडियो भी नहीं बना पाएंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं उस साइड में जाते हैं जल्दी जल्दी से, इधर भी मतलब दिखाते हैं थोड़ा सा और फिर मतलब मौसम चेंजेस के कारण तो यहाँ से उतरने वाले हैं। तो फिर भी एक बार नज़ारा देख लीजिए यहाँ से, ऐसे वो सामने उदय के लिए देख सकते हैं वैसे गुफा वगैरह सब दिख रहा है, गुफा वगैरह पूरा वहाँ से नीचे जाएंगे रास्ते तक, फिर वहाँ से ऐसे करके चलेंगे वहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। वैसे ड्रोन तो बैग में पकड़े हुए हैं लेकिन हवा इतना तेज चल रहा है मतलब क्या ही बताएं, बारिश हो जाए तो ड्रोन नीचे भी नहीं जा पाए। आप लोग भी देख सकते हैं कुछ कितना आ रहा है और मतलब ये जो मौसम का चेंजेस के कारण फुल डिटेल्स वीडियो किसी और दिन मतलब आप भी बना सकते हैं। छोटा छोटा गुफा वगैरह है, वैसे उस समय में इसको कैसे काट के बनाए होंगे वो बड़ा मतलब क्या बोले। यहाँ पे भी देख लो, देख सकते हैं उस समय में सब मतलब ऐसा पत्थर, एक ही पत्थर है ये, उसको मतलब ऐसे काट काट के अंदर से पूरा खोखला किया। ये वाला वहाँ पे है, वहाँ ऊपर में है, सब तरफ। मतलब अभी तो मौसम अगर ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से जा भी नहीं पाएंगे, तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिलहाल के लिए। किसी और दिन अगर आएंगे तो डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे वो देखो।